जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज ठीक आ रही है? अच्छा, जी मैम। अपने ग्रुप में फाइनली जरा मैसेज करो। 128 स्टूडेंट्स और 28 स्टूडेंट मेंबर्स ज्वाइन किया। बता दिए ग्रुप में तो। ज्वाइन कर रहे अपना लेक्चर करते हैं और आप लोग ने अच्छी लड़की की तरह इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ जी बच्चों, लास्ट लेक्चर पढ़ा था आप सबने, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ लो आप सब। लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने? रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे आप लोग? यस मैम, पढ़ा था, कोई क्वेश्चन नहीं। तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? फिफ्टी एट स्टूडेंट्स और किसी एक कोई एक भी नहीं बोल रहा।
मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही आप सबको? मैम अब आ रही है आवाज। मैम आ रही है आवाज। नेटवर्क का शायद थोड़ा सा इशू है। यस मैम। चलिए फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। हाँ जी, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, लास्ट टाइम हमने ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक पढ़ा था, तो आज हम नेक्स्ट उससे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या होता है? इमेज एमआरएनए, एमआरएनए इनटू प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो राइबोसोम्स में हो रहा होता है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। लाइक ट्रांसक्रिप्शन में जो है डीएनए से आरएनए बनता है, फिर जो आरएनए बना है वो राइबोसोम में जाके तो जो मैसेज लेके जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। दिस इज द सेम पिक्चर दैट इन ट्रांसक्रिप्शन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड इन ट्रांसलेशन बाय यूजिंग द मैसेंजर आरएनए देयर विल बी द प्रोटीन फॉर्मेशन इन द राइबोसोम। तो दिस इज द प्रोटीन जो डीएनए रेप्लिकेशन। आरएनए आप सबको पता है कि इट एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए जब इनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो ये डिफरेंट ये पॉलीमरेज़ एंजाइम के थ्रू जो है ट्रांसक्राइब होते हैं, और यूकेरियोट्स में तीन डिफरेंट जो है पॉलीमरेज़ एंजाइम्स हैं। तो मैसेंजर आरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज़ टू उसमें जो है बनता है से बनता है, ट्रांसफर आरएनए बाय पॉलीमरेज़ थ्री एंजाइम से, एंड राइबोसोमल आरएनए बाय पॉलीमरेज़ एंजाइम वन। और इसमें जो है मे ट्रांसक्राइब इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ट्रांसक्राइब होते हैं, और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है ये यूज जो है साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड है, और कुछ जो इसकी कभी कभी जो हेयर पिन लूप नजर आता है वहां पे डबल स्ट्रैंडेड शो होते हैं, बट इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होता है डीएनए से, डीएनए बाय यूजिंग द डीएनए इंफॉर्मेशन और बाय यूजिंग द डीएनए सीक्वेंस। और इस पे जो है मैसेंजर आरएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट्स दैट कोड, जो मैसेंजर आरएनए पे कोडोन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है ना, तो जो हाँ एक कोडोन जो है एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है यूजीजी जो है कोडोन को शो कर रहा है, ये थ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये तीन मिलकर जो है एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे ट्रिप्टोफैन के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट जो है नेक्स्ट अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, तो इस तरह से अमीनो एसिड के ऊपर मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है थ्री न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडोन बनाते हैं, और एक कोडोन जो है एक अमीनो एसिड के लिए जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा या कोड करेगा। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए आप सबको पता है कि इट कैरीज द अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस पे जो है एंटीकोडोन होता है टू द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे रिकग्नाइज होता है मैसेंजर आरएनए या जहाँ से ये मैसेंजर आरएनए को बाइंड होता है, उस स्ट्रक्चर को हम एंटीकोडोन कहते हैं, और ये कम्प्लीमेंट्री होता है टू द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये जो नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है ये राइबोसोम दिखाया है ब्राउन कलर का, और इसके नीचे पिंक कलर का जो है वो मैसेंजर आरएनए, और ऊपर जो है वो राइबोस ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होते हैं। ठीक है, एक ट्रांसफर आरएनए एक कोडोन के साथ अटैच होगा, और जहां से वो अटैच होता है उस साइड को ट्रांसफर आरएनए की साइड को एंटी कोडोन कहते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट टाइम जो है वो बहुत क्लियर पढ़ा था उसमें एक्सप्लेनेशन में जाके,
तो उसमें जो है इसका थ्री एंड होता है वहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है, जहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड होता है, और ये एंटीकोडोन जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन है थ्री एंड से, वहाँ पे एंटीकोडोन होता है, और जहाँ से ये अमाइनो एसिड के साथ मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होता है, कोड को रीड करता है, और उसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड जो है वो थ्री एंड पे आके अटैच होता है. तो इस तरह से हर कोडोन के अकॉर्डिंग जो अमाइनो एसिड होता है वो ट्रांसफर आरएनए लेके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता जाता है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेस पेयरिंग बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द सेम सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ये जो हमने डिस्कस किया था कि जो डबल स्ट्रैंडेड जहाँ पे शो हो रहा है में एक्चुअली जो है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं जहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बना लेते हैं, अदरवाइज इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. मेरी आवाज आ रही है ना ठीक सबको? यस मैम आ रही है. जी मैम. यस मैम. ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेशन किस तरह से होती है? बेसिकली एंजाइम इसके लिए इसमें इन्वॉल्व होता है जिसको अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज कहा जाता है, ठीक है. ये जो ब्लू कलर का शो किया गया है बड़ा सा, ये सिंथेटेज एंजाइम को शो किया गया है, ठीक है. इट अटैच अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड टू ट्रांसफर आरएनए. अमाइनो एसिड जो है इसमें प्रॉपरली जो है वो इसके साथ ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच करता है ये. It catalyzes the covalent joining of amino acid to transfer RNA. ठीक है, मतलब जब ट्रांसफर आर एन ए के साथ ये enzyme अटैच होता है और फिर जो है वो प्रॉपर एंजाइम जो है वो ट्रांसफर आर एन ए के साथ अटैच कराता है, कैटेलाइज कराता है इसको. और ट्रांसफर आर एन ए के साथ जब अमाइनो एसिड अटैच होता है तो इसको अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आर एन ए कहा जाता है, ठीक है. और 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं इसलिए देर आर 20 डिफरेंट जो है ट्रांसफर आर एन ए जो हर अमाइनो एसिड को लेके जो है वो आता है, और हर अमाइनो एसिड के लिए एक डिफरेंट ट्रांसफर आर एन ए होता है. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन इट कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आर एन ए, ठीक है. राइबोसोमल आर एन ए और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर मिलके बनता है उसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं. ये पिक्चर में इनका जो है बाय यूजिंग बायोइनफॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं ये, ठीक है. और हर प्रोटीन के पार्ट को डिफरेंट यूनिट कलर का नेम जो है कलर से शो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. तो इस कलर में आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स जो टर्कुइश है, ग्रे, ऑरेंज, इंडिगो जो है ये सारे आरएनए हेलिक्स हैं. इसके अलावा प्रोटीन जो अल्फा हेलिक्स है नेवी ब्लू कलर में शो हो रही है. राइबोसोम का स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि कैसा होता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर? हाँ जी बेटा, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड्री और पहली इसके वो 10 यूज होते हैं. क्लॉज शेल होता है, दो यूनिट्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं सब लार्ज. इसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है जिसका 60S या 60 स्वेडबर्ग जो है वो होता है साइज, और एक जो है 40S सब यूनिट होता है जिसको स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं, और ये दोनों यूनिट्स मिलके जो है वो इसका स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं. स्वेडबर्ग जो है बेसिकली फुल साइज इसका 80 होता है. स्वेडबर्ग जो है यूनिट को शो कर रहे हैं, और ये यूनिट की स्पेस पे कि कितनी स्पीड से ये सेंट्रीफ्यूज में जो है वो सेडिमेंट बनाता है. सेडिमेंट मतलब कितनी स्पीड से ये नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है. तो स्पीड के अकॉर्डिंग इसका यूनिट जो है स्वेडबर्ग है. ये पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर में जो है ये ट्रांसफर आरएनए जो है राइबोसोम को दिखाया गया है. राइबोसोम के टू यूनिट, ऊपर वाला जो ब्राउन है बड़ा सा उसमें लार्जर है और नीचे वाला स्मॉलर सब यूनिट है. अब इसमें बाइंडिंग साइट्स, दो बाइंडिंग साइट्स हैं, एक तो इसमें मैसेंजर आरएनए आके अटैच होगा और एक जो है ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा. जो नीचे वाला स्मॉलर सब यूनिट है ना इसपे मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट है, जो ये जो शो भी किया गया कि मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट है, ठीक है. तो स्मॉलर सब यूनिट के साथ मैसेंजर आरएनए अटैच होता है और जो लार्जर सब यूनिट है उस पर जो है ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है. और इसमें तीन साइट्स हैं, ए, पी और ई, ठीक है. ए क्या है कि ए पे जो है न्यू ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है विद अमाइनो एसिड,
फिर वो पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जो है अटैच करता है उस अमाइनो एसिड को, फिर वो पी फॉर्म पी साइट पे मूव करते हैं, और फिर पी साइट से पॉलीपेप्टाइड चेन उसी साइट पे अटैच होते हैं, और ट्रांसफर आगे ने जो है अच्छा पी साइट से जो है एग्जिट साइट से बाहर निकल जाएगा, लीव कर जाएगा राइबोसोम को। और नीचे वाले पिक्चर में उन्होंने उनकी जो है अटैचमेंट दिखाई हुई है, पिंक कलर का जो है मैसेंजर आरएनए जो अटैच हुआ हुआ है, और ऊपर जो है वो ट्रांसफर आरएनए की अटैचमेंट को शो किया गया कि वो पहले ए साइट पे अटैच होता है, फिर वो बी साइट पे अटैच होता है, पी साइट पे फिर अमाइनो एसिड चेन जो है वो पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में हो जाती है, और जो ट्रांसफर आरएनए वो ई साइट से एग्जिट हो जाता है। इसको आगे हम फर्दर डिटेल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही कि इसमें दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट और ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट। ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट जो है वो तीन पार्ट है, ए बी और ई। ए साइट जो है उसको अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए साइट कहते हैं, यहाँ पे अटैच होता है के ट्रांसफर आरएनए, इट होल्ड्स द अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कैरिंग द नेक्स्ट अमाइनो एसिड टू बी एडिट। बी साइट जो है पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए साइट है, इट होल्ड्स द ट्रांसफर आर एन ए मॉलिक्यूल्स कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और ई साइड जो है एग्जिट फॉर्म होती है, यहाँ से जो ट्रांसफर आर एन ए लीव करता है राइबोसोम। ट्रांसलेशन के फोर स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन स्टेप में जो है राइबोसोम फाइंड्स एंड बाइंड्स टू द मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, ठीक है, मतलब अटैचमेंट होगी, इनिशिएशन प्रोसेस होगा। हमने बात की थी कि जो मैसेंजर आरएनए में है कैप ऐड की जाती है, कैप और टेल, और ये जो इसकी रिकग्निशन कराते हैं बाय द राइबोसोम। तो इसकी जो राइबोसोम जो है इसका स्मॉलर सब यूनिट है मैसेंजर आरएनए, वो कैप साइड से जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और अपने साथ अटैच कर लेता है। सेकंड स्टेप जो है राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट जो है वो मूव्स अलोंग द मैसेंजर आरएनए, ठीक है, उसकी कैप और लेडर जो रीजन है उसके साथ मूव करेगा जब तक कि उसके वो जो है स्टार्ट साइड या स्टार्टिंग कोडोन नहीं मिलता। हमने पढ़ा हुआ है कि मैसेंजर आरएनए पे जो है एक तो टेल और कैप ऐड होती है, इसके साथ उसका कुछ सीक्वेंस होता है जो नॉन ट्रांसलेटेड होता है, इसके अलावा उसके बाद फिर उसका स्टार्ट कोडोन होता है और फिर स्टॉप कोडोन होता है। तो इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है वो मूव करता है उसमें जब तक कि उसको स्टार्ट कोडोन नहीं मिलता, स्टार्ट कोडोन हमेशा AUG फॉर्म में होगा। और मैसेंजर आरएनए पे प्रॉपर कोज़ेक सीक्वेंस होते हैं, और ये सीक्वेंस जो है हर मैसेंजर आरएनए का पार्ट होते हैं।
सॉरी कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, तो हम ये पढ़ रहे थे कि जी वंस राइबोसोम जो है वो स्टार्टिंग कोडोन पे जब पहुंच जाता है तो वहां पे आके इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है, ठीक है, और इनके दरमियान में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। और स्टार्टिंग जो ट्रांसफर आरएनए होगा, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए होगा, उसके साथ हमेशा जो है मिथायोनीन अमीनो एसिड अटैच होता है। तो इस तरह से वो मिथायोनीन जो है वो अटैच कर देगा, ठीक है, और फिर ए साइड से जो है वो पी साइड पे जो है मूव कर जाएगा। इसकी जो ये डिसलोकेशन है, या एक तो अटैचमेंट जब होती है वहां पे एनर्जी रिक्वायर होती है, और सेकंड जब इसकी ट्रांसलोकेशन होगी ए साइड से पी साइड पे, तो वहां पे भी इसको एनर्जी रिक्वायर होती है, और ये जीटीपी से जो है एनर्जी लेता है। सेकंड, इसका जो ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो उसमें वो किस तरह से होता है, कंप्लीट राइबोसोम, ठीक है, उसमें राइबोसोम इन्वॉल्व है, इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए जो आगे अटैच हुआ, मैसेंजर आरएनए एयूजी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, और यहाँ से जो ट्रांसलेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम, आ रही है। यस मैम, ठीक है। ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे दिखाया कि किस तरह से जो इलोंगेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इनिशिएशन तो हो गई, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, वहां पे इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए अटैच हो गया, इनिशिएटर अमीनो एसिड अटैच हो गया, तो अब इलोंगेशन किस तरह से होगी, ठीक है। तो जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पी साइड पे अटैच होती है, ठीक है, और ग्रोइंग एज में क्या होता है कि जो न्यू अमीनो एसिड है वो न्यू ट्रांसफर आरएनए वो आके अटैच होगा मैसेंजर आरएनए से, वो उसका कोड को रीड करेगा और उस कोड के अकॉर्डिंग उस पे आके अमीनो एसिड अटैच होगा, और अमीनो एसिड, ठीक है, मतलब वो ए साइड पे जो है अमीनो एसिड के साथ आके अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो पी साइड पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई थी वो ए साइड पे आके न्यू अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगी और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी विद द न्यू अमीनो एसिड। इस तरह से ही पॉलीपेप्टाइड चेन एक अमीनो एसिड उसमें लॉन्ग हो जाएगा या एड हो जाएगा। फिर ये एडिशन के बाद जब जो है इसका बॉन्ड बन जाएगा तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन और जो ट्रांसफर आरएनए दोबारा से पी जो है पी साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है, और जो ट्रांसफर आरएनए आया था न्यू वाला वो ई साइड से जो है एग्जिट हो जाएगा राइबोसोम से, और फिर जो है न्यू अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा और वो एक अमीनो एसिड ऐड करके तो खुद जो है लीव कर जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता जाता है जब तक कि स्टॉप कोडोन आए। ये वही इलॉन्गेशन की जो एक्सप्लेनेशन की गई है कि इनकमिंग अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए जो है ए साइड पे आके अटैच होते हैं, वहां पे इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ट्रांसफर आरएनए की और मैसेंजर आरएनए की, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। राइबोसोम कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, मतलब वो जो न्यूली पहले वाली बनी हुई चेन जो है वो न्यू अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी बिटवीन द अमीनो एसिड इन द पी साइड टू द अमीनो एसिड इन द ए साइड, ए साइड पे जाके ये अटैचमेंट होगी, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इज लॉन्गर बाय वन अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्रांसफर टू ट्रांसफर आरएनए एट द एग्जिट साइट। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन मतलब मूवमेंट, ठीक है, मूव करेगा ये राइबोसोम, मूव करेगा नेक्स्ट कोडोन पे, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो फ्रॉम पी साइड टू ई साइड मूव करेगा और लीव कर देगा, और ट्रांसफर आरएनए जो है ए साइड टू पी साइड, पॉलीपेप्टाइड रिटर्न टू पी साइड, ठीक है, मतलब तीन ट्रांसलोकेशंस होंगी। एक तो राइबोसोम नेक्स्ट कोडोन की तरफ मूव करेगा, सेकेंड जो है ट्रांसफर आरएनए जो इसने एड कर दिया अमीनो एसिड वो एग्जिट फॉर्म से लीव कर जाएगा, और थर्ड जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ए साइड पे मूव की थी वो दोबारा से पी साइड पे वापस आ जाएगी। तो दिस इज द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, मतलब सेम ही जो इसकी डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, टू डायरेक्शन नहीं होती।
ठीक है, मतलब वो एक सीक्वेंस से ही कोडोन्स पढ़ते जाते हैं और मैसेंजर आरएनए रीड होता जाता है बाय द राइबोसोम, तो ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है दोबारा से। हाँ जी समझ आई है सीक्वेंस की या नहीं समझ आई? मैं रिपीट तो करती हूँ दोबारा से, बट समझ आई है? यस मैम। यस मैम समझ आई है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा कि न्यू ट्रांसफर आरएनए जो है वो माइनर साइट के साथ आएगा और ए साइट पे अटैच हो जाएगा और इसमें एनर्जी रिक्वायर होगी। सेकंड में क्या होगा, जो ग्रोइंग जो पहले वाली माइनर साइट पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो ए साइट पे आएगी और वहां पे पेप्टाइड बाउंड बनाएगी विद द न्यू अमीनो एसिड। फिर जो है ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होगा और इसमें भी एनर्जी रिक्वायर होगी। इसमें क्या होगा कि जो ये जो ट्रांसफर आरएनए था वो ई साइट से एग्जिट हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो दोबारा ए साइट से पी साइट पे मूव कर जाएगी और फिर ए साइट खाली हो जाएगी और वहां पे आके फिर दोबारा से न्यू ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा विद द न्यू अमीनो एसिड और फिर प्रोसेस स्टार्ट होता रहेगा जब तक कि स्टॉप कोडोन नहीं आता। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या होता है कि जब स्टॉप कोडोन आ जाता है एट स्टॉप कोडोन अ प्रोटीन कॉल्ड रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू ए साइट। ठीक है, उसमें फिर जो है ट्रांसफर आरएनए अटैच नहीं होता बल्कि एक रिलीज फैक्टर हो हम टर्मिनेशन की बात कर रहे थे। टर्मिनेशन में जो है वो रिलीज फैक्टर ऐड होते हैं और रिलीज फैक्टर जो है वाटर ऐड कर देता है और वहां पे जो है फिर अमीनो एसिड चेन जो बनी होगी वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी उसकी विद द ट्रांसफर आरएनए के साथ और फिर वो रिलीज हो जाएगी राइबोसोम से और जो ट्रांसफर आरएनए था वो एग्जिट फॉर्म से एग्जिट हो जाएगा और ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ था वो भी डिसेंबल हो जाएगा। These are the video links. You can जो है इसको use करके आप लोग इसको translation का process जो है इसको completely तौर पे जो है समझ सकते हैं। ये भी translation के process और protein synthesis को explain करेंगे। Next term is the polyribosome. Polyribosome का क्या मतलब है कि messenger RNA को otherwise एक ही ribosome जो है translate करते हैं। लेकिन कुछ मैसेंजर आरएनए ऐसे होते हैं जिसकी ट्रांसलेशन में बहुत सारे जो है राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसी फॉर्म्स को जो है हम पॉली राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए हैज मल्टीपल राइबोसोम्स साइमल्टेनियसली
translating the messenger RNA, then it is known as polyribosome. Next is the protein trafficking. ठीक है, जो protein formation हुई है during the translation, उसकी जो transport होगी between the cell, throughout the cell or from the cell to the extracellular environment, उसको protein trafficking कहते हैं. और ये इस process में Golgi body involve होती है. आप सबको पता है कि जो प्रोटीन या ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा होता है. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर, जिसकी सरफेस के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं. ठीक है, वहां पे प्रोटीन फॉर्मेशन होती है. फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती है, वेसल्स होती है, वेसिकल्स होती है. उन वेसिकल्स के थ्रू वो प्रोटीन जो है वो गोल्जी बॉडी में आती है. गोल्जी बॉडी में जो है फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है. ठीक है, तो ये जो प्रोटीन की मूवमेंट है इसको प्रोटीन ट्रैफिकिंग कहते हैं, और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वो इन्वॉल्व होते हैं. राइबोसोम की टाइप की बात करते हैं. राइबोसोम की टाइप जो है दो तरह की होती है, एक फ्री फॉर्म में होती है, एक बाउंड फॉर्म में होती है. ठीक है, फ्री फॉर्म में जो होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं, और बाउंड फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सर्फेस के ऊपर अटैच होते हैं. ये दोनों डिफरेंट तरह की जो है प्रोटीन बनाती हैं. फ्री फॉर्म जो है साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स बनाते हैं, और बाउंड जो है सेक्रेटरी प्रोटीन्स बनाती हैं. डेस्टिनेशन इनकी क्या है, साइटोसोल ऑर्गेनेल्स यहाँ की प्रोटीन बनाते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स एक्सोसाइटोसिस के लिए कुछ बनाते हैं. सो बोथ टाइप आर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, फ्री एंड बाउंड फॉर्म. साइटोसोलिक प्रोटीन्स जो होती हैं वाटर सोलबल होती हैं, और फोल्डिंग एडिड बाय चेपिरोन प्रोटीन्स. ठीक है, चेपिरोन प्रोटीन्स हमने पढ़ा था, ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व जो फोल्डिंग में इन्वॉल्व होती हैं. पोस्टल कोड्स किस तरह से होते हैं, आर ट्रांसलेशनल बिगिन विद फ्री राइबोसोम्स. ठीक है, मतलब सारे जो ट्रांसलेशन है फ्री राइबोसोम. हमने पढ़ा है ना कि राइबोसोम की दो टाइप्स होती हैं, फ्री एंड बाउंड फॉर्म. तो ट्रांसलेशन जितनी भी है फ्री राइबोसोम्स के साथ अटैच होती है. फिर फ्री राइबोसोम जो है पॉलीपेप्टाइड सिग्नल रिवील करता है. ठीक है, फिर जो के जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं उनको जो है उस कॉम्प्लेक्स को जो है मैसेज कन्वर्ट करता है कि वो अब जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट करे. ठीक है, इसी तरह से 20 अमीनो एसिड्स जो है वो उस साइड पे होते हैं जो यूज होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में. प्रोटीन जो बनेगी सिक्रीटेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट उसमें होती है, और फिर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स के थ्रू जो है वो गोल्जी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होती है. ये जो पिंक कलर की ऑरेंज सी शो हुई है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, या गोल्जी बॉडी कहते हैं इसको, और ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, कि क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, मतलब ट्रांसलेशन हो गई है हमारी लेकिन उसके बाद मॉडिफिकेशन जो होंगी उसमें चेंजिंग्स जो होंगी वो किस तरह की होती हैं. तो एडिशन ऑफ शुगर लिपिड्स और फॉस्फेट ग्रुप्स हो सकता है, रिमूवल ऑफ सम अमीनो एसिड्स या ज्यादा उससे अमीनो एसिड्स को रिमूव किया जा सकता है, पॉलीमराइजेशन होती है कि दो डिफरेंट प्रोटीन्स की जो है अटैच करके एक प्रोटीन बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन की बात की गई है, उसमें दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऐड होती है ना, अल्फा और बीटा चेन्स, तो उन दोनों को अटैच करके एक प्रोटीन बनाते हैं हीमोग्लोबिन, या फिर जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है. ठीक है, तो ये सारी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं. ये एग्जांपल है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की, कि मतलब जब इंसुलिन की बात की है यहाँ पे, जब इंसुलिन बनती है ट्रांसलेशन होती है तो उसमें बहुत सारे रीजन और भी होते हैं, कनेक्टिव सीक्वेंस लैडर और उसका जो बी चेन ए चेन ऐड होती है. ठीक है, इसको प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं. फिर वहां पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इसकी मॉडिफिकेशन होती है, ये प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होती है. ठीक है, फिर जो है इसमें फर्दर इसकी मॉडिफिकेशन होती है, इसमें सीक्वेंस जो है रिमूव किया जाता है, उसकी प्रॉपर बाइंडिंग होती है, फोल्डिंग होती है, तो ये फिर तब इंसुलिन जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो ये जो सारी चीजें इसमें हुई है ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है जो कि गोल्जी बॉडी में हो रही होती है. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो है कंपैरिजन है, ये
कि इसमें क्या क्या जो है डिफरेंसेस होते हैं और इनका क्या कंपैरिजन है. तो ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली इनपुट जो होता है कि इनपुट कहाँ से आता है, डीएनए से आता है, और ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए एज इनपुट एक्ट करता है. ट्रांसक्रिप्शन में ट्रिपलेट फॉर्म में जो है कोड जो है जेनेटिक कोड होता है, और ट्रांसलेशन में कोडोन्स मैसेंजर आरएनए पे कोडोन्स होते हैं ना जो रीड होते हैं. आउटपुट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का आउटपुट मैसेंजर आरएनए होता है, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है. लोकेशन ट्रांसक्रिप्शन जो है न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन जो है राइबोसोम्स में होती है. इसके अलावा मॉलिक्यूल्स यूज्ड ट्रांसक्रिप्शन में जो है पॉलीमरेज एंजाइम यूज होते हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स यूज होती हैं, जबकि ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स, ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड्स यूज होते हैं. तो ये कंपैरिजन है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए. ये आप लोग एक दफा रीड कर लेना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन एंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द ट्रांसलेशन. इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं. मैम, रिकॉर्डिंग आपने एलएमएस पे अपलोड की हुई है? जी बेटा, जो उसमें लिंक है ठीक है, गूगल ड्राइव का, उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं आपकी. मैम मैम वो पहले लिंक आप आना मतलब पड़ेगा उसका बता दें जी. अनाउंसमेंट से नीचे. लिंक वो वाला कहाँ पर है मैम? अनाउंसमेंट से नीचे स्टडी मटेरियल में है. नहीं, ऊपर जो जनरल पार्ट होता है ना उसमें ही ऐड है. ओके मैम, उसमें थैंक यू. इसके साथ है जूम गूगल ड्राइव लिंक फॉर रिकॉर्डिंग्स, उसका नेम ये है ठीक है. आप उसको अच्छे से देखो तो उसमें मिल जाएगा. लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है आप सबको या समझ आ गया? मैम मैम पॉलीराइबोसोम का बता दें. बाकी समझ आ गया? यस अच्छा, पॉलीराइबोसोम की जो हमने बात किया है कि जो मैसेंजर आरएनए मोस्टली एक ही राइबोसोम उसको ट्रांसलेट करता है, लेकिन कुछ मैसेंजर आरएनए, अगर कोई ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसको मल्टीपल राइबोसोम मिलके जो है ट्रांसलेट करते हैं, तो फिर इस टर्म को जो है पॉलीराइबोसोम कहते हैं. पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, ठीक है. तो उसमें बहुत सारे राइबोसोम्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और एक मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करते हैं. मतलब सेम मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन के लिए डिफरेंट राइबोसोम रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस टर्म को जो है पॉलीराइबोसोम कहा जाता है. ठीक है, यस कोई मैम, और थैंक यू. क्वेश्चन है? तो मैम मैम समझ समझ आ आ गई. गई? यस अच्छा, आप लोगों का क्विज के बारे में डिसाइड करना था. आप लोगों का क्विज जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीक में वेनेसडे को रख लेती हूँ, क्योंकि आप वेनेसडे को आप लोग फ्री होते हैं तो वो भी इवनिंग में रखूंगी. ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करना, मैं आपको टाइम जो है वो बता दूंगी कि किस टाइम पे होगा, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बता दूंगी. मैम 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 सिलेबस सिलेबस भी तो मैंने आपको बताया हुआ है ना ईद से पहले का. फर्स्ट सिक्स लेक्चर जी बिल्कुल. मैम ये लेक्चर से प्रिपेयर करना है, स्लाइड से? ओके हाँ जी, लेक्चर से ही प्रिपेयर कर लेना आप लोग. मैम. ठीक है, तो फर्स्ट सिक्स लेक्चर्स का जो क्विज हमने रखा था वो मैं नेक्स्ट वीक में वेनेसडे को लूंगी आपका, जी मैम, ठीक है. और आप लोगों का जो है कल तो मेकअप लेक्चर है आप लोगों की. क्या टाइम रखा था मैंने आपको? इनफैक्ट कल रखना है मैंने टाइम, तो मैं आप लोगों का टाइम जो है 11 बजे रख दूँ. गैस मैम रख दें. ठीक है, आप लोगों का मैं जो है 11 बजे लूंगी मेकअप लेक्चर को. ठीक है मैम. एक्सक्यूज मी मैम, हमारी ऑलरेडी 11 बजे क्लास होती है. ओके कुछ बच्चों की है ना, तो मैंने कहा था जिन बच्चों की क्लास है ना वो मुझे ईमेल कर देना, और स्क्रीनशॉट ऐड साथ जो है वो कर देना कि आप लोगों की क्लास है इस टाइम, तो मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगी. फिर मैम. रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग आप लोग जो है सुन लेना इस लेक्चर की, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बाद में भी आप लोग मुझे मेरे से पूछ सकते हो जिन बच्चों का इशू है कि जी क्लास है. ठीक है.
ओके मैम। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों को? नो मैम। LMS और पोर्टल वाला फिर से नेट का प्रॉब्लम हो गया था। चलो ठीक है फिर बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके, सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।